किया, तिरपाला, मिक्सी, सिलाई मशीन और साथ में किचन सेट। क्या है सच आज खुलासा करेंगे। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार क्यों दे रहे हैं अपनी कन्याओं को, अपनी असहाय कन्याओं को इतना सामान। जी हाँ, आटे की डोलची और मोटरसाइकिल, सोफा सेट, अलमारी, सिंगारदानी और बेड, प्रेस करने की मशीन, कपड़े धोने की मशीन, कूलर, फ्रिज और आपको बताते चले पंखा, और आपको और भी बताते चलें कपड़े धोने की मशीन, और भी बागेश्वर धाम सरकार अनेक प्रकार के सामान दे रहे हैं। दरअसल क्या है, बागेश्वर धाम में अभी हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार नहीं बल्कि सभी शिष्य मंडली और आप लोगों के सहयोग से भी ये संकल्प जो बागेश्वर धाम सरकार का 151 का था तो 156 हो गई है कन्या, तो वो पूरा हो रहा है। मित्रों, इसमें घबराने की चौंकने की बात नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की आप पर ज़रूर बरसेगी। और ये पूरे सोफा सेट जो अलमारी रखी है, ये कल बागेश्वर धाम सरकार के धाम पर जो 156 कन्याओं के पानी ग्रहण संस्कार होगा, जी हाँ शादी होगी, फेरे डलेंगे, उसके बाद ये सब सामान जिन बेटियों की शादी जहाँ पर हुई है वहाँ पर ये सुरक्षित पहुँचाया जाएगा, एक एक मोटरसाइकिल और सभी सामान। आगे बागेश्वर धाम सरकार ने ऐलान करा है कि अगली बार शिवरात्रि को 151 नहीं बल्कि 251 लड़कियों की शादी करेंगे। इस बात पर लाइक होना चाहिए और ताली बजा कर बागेश्वर धाम सरकार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार हमारे बीच सदैव रहें। अगर आप लोग चाहते हैं सदैव हमारे बीच परम पूज्य गुरुदेव सरकार रहें तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा सीताराम और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में एस का निशान बनाओ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से हमारे फर्स्ट लोग बागेश्वर धाम सरकार के मिलती रहती हैं। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री